नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एमआर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, अगर आप भी एनएफटी या फिर आरटीजीएस करना चाहते हो तो आप कैसे जो है आरटीजीएस या फिर एनएफटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो गाइस, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि जो है हम एनएफटी या फिर आरटीजीएस का फॉर्म कैसे भरे। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है सही तरीके से जो है एनएफटी या फिर आरटीजीएस करना चाहते हो तो फॉर्म को कैसे भरना है। साथ दोस्तों, आपको एनएफटी या फिर आरटीजीएस करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अगर 1 रुपये से लेकर मैक्सिमम 2 लाख रुपये जो है आप एनएफटी के जरिए ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप 2 लाख रुपये से अबाउ ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप आरटीजीएस का ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो गाइस, आपको जो है किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी एनएफटी या आरटीजीएस करने के लिए, तो यहाँ पर जो आपको एक तो अपनी बैंक डिटेल और एक आप जिस फर्म या जिस पर्सन को जो है आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो एनएफटी या आरटीजीएस के जरिए, उसकी आपको जो है बैंक की डिटेल यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। साथ ही आपको जो अपना बैंक का एक चेक भी यहाँ पर लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको किस तरह जो है यहाँ पर सही तरीके से जो है एनएफटी या फिर आरटीजीएस का फॉर्म फिल करना है, यहाँ पर आपको जो है जो भी आपकी ब्रांच है वो आपको यहाँ पर डाल देनी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है बैंक की ब्रांच डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो अमाउंट सामने वाले को ट्रांसफ़र करना है वह रियल अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2,50,000 करके। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको कुछ स्लैश करके यहाँ पर डैश लगा देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वर्ड में डाल देना है सेम टू सेम ऐसे ही, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है गाइस, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो है जिस डेट को जो है सामने वाले को एनएफटी या फिर आरटीजीएस करना है वो डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो मैं आज की डेट डाल देता हूँ। ठीक है, आपको इस फॉर्मेट में जो यहाँ पर डेट एंटर करना है। तो गाइज, आपको जो है प्रत्येक बैंक का जो है अलग अलग फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे मेरे पास एक और फॉर्म है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का, तो आप देख सकते हो इस फॉर्म का जो फॉर्मेट है कुछ अलग है। तो आपको डिटेल जो है सेम फिल करना है दोस्तों सब फॉर्म में। यहाँ पर आपको जो अमाउंट एड करने के बाद आपको यहाँ पर वर्ड में लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आप जो है अगर कैश के द्वारा जो एनएफटी या फिर आरटीजीएस करना चाहते हो तो आपको कैश वाले ऑप्शन पर टिक करना है। अगर आप चेक के थ्रू जो है यहाँ पर सामने वाले को आरटीजीएस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर चेक पर जो है क्लिक कर देना। तो भैया से चेक के थ्रू जो आपको कैसे जो है आप एनएफटी या फिर आरटीजीएस कर सकते हो, तो यहाँ पर चेक वाले ऑप्शन पर जो है आपको टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर जो है भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चेक नंबर डालना होता है। जो चेक आप आरटीजीएस के फॉर्म के साथ जो दोगे साइन करके, वह चेक नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आपको चेक नंबर जो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपको जो यहाँ पर चेक नंबर मिल जाएगा, तो ये चेक नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस फॉर्मेट में जो है चेक नंबर यहाँ पर एंटर कर देना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको जो यहाँ पर अपना जो अकाउंट का नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको इस फॉर्मेट में जो यहाँ पर अपना नेम एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर चेक डेट, तो दोस्तों आपको नॉर्मली जो आप एनएफटी या फिर आरटीजीएस कर रहे हो वही डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो आपको सेम इसी फॉर्मेट में जो है यहाँ पर डेट जो है एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर एड्रेस डालना होता है, तो आप जो अपना बैंक का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे तो आपको जो यहाँ पर एड्रेस अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों आपको चेक के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ मिल जाएगा, वही एड्रेस आप जो यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हो, वैसे अपना ले तो यहाँ पर जैसे मैं कर देता हूँ। ठीक है, आपको इस फॉर्मेट में जो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरे पार्ट में जो आपको सामने वाले पर्सन या फिर आप जिस फर्म को जो है एनएफटी या फिर आरटीजीएस के जरिए पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है। इसमें दोस्तों आपको सामने वाला बेनिफिशियरी का नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम और आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं अपने एक सामने वाले पार्टी को जो है यहाँ से आरटीजीएस करना चाहता हूँ तो उसकी डिटेल मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। तो नॉर्मली दोस्तों आपको सबसे पहले तो बेनिफिशियरी का नेम यहाँ पर जो है सामने वाले पर्सन का नेम यहाँ पर डालना है आपको दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको इस फॉर्मेट में जो यहाँ पर नेम एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, तो मैं सामने वाले पर्सन का यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर रिकन्फर्म अकाउंट नंबर, यानी कि आपको जो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर डाला है वही अकाउंट नंबर आपको सेम टू सेम यहाँ पर भी डाल देना है रिकन्फर्म में। एक बार आप फिर से जो वेरीफाई करने के लिए आप 2 बार आपको जो यहाँ पर सामने वाले पर्सन का अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद दोस्तों आपको बैंक नेम, यानी कि आपने जिस पार्टी या फर्म को जो है पैसा ट्रांसफर करो उसके बैंक के नेम आपको यहाँ पर
एंटर कर देना। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्टेट। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है सामने वाला बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करके यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 11 अंकों का जो है आईएफएससी कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आईएफएससी कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रांच का एड्रेस डाल देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सामने वाले पर्सन के बैंक की ब्रांच का जो है यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे कि उदयपुर करके। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है ब्रांच एड्रेस ऐड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेंडर टू रिसीव इंफॉर्मेशन। अगर आप कुछ यानी जो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन कुछ देना चाहते हो कि किस तरह कारण जो है आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप यहाँ पर डिटेल में डाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है कुछ यहाँ पर फिल नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा कस्टमर सिग्नेचर का, तो दोस्तों आपको जो यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना। अगर आपका पार्टनरशिप है तो आप जो है यहाँ पर साइन करके अपने पार्टनर का साइन भी करवा सकते हो, या फिर आपको अगर आप प्रोपराइटर है तो आप खुद यहाँ पर जो है तीनों जगह आपको सेम साइन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको साइन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमने जो यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर एड कर दी। इसके सिवा आपको कुछ भी अलग से जो ऐड नहीं करना है दोस्तों। आपको कोई सा भी फॉर्म हो, आपको बस यही डिटेल जो है हर फॉर्म में ऐड करनी होती है, चाहे आप कोई से भी बैंक का जो है NEFT या फिर RTGS का फॉर्म भर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कस्टमर एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको जो है यहाँ पर डेट डाल के नॉर्मली आपको जो है ये पर्ची होती है अपने पास रखनी होती है कि आपने जो किस पर्सन को जो है ट्रांसफर किया, तो इतनी पर्ची जो आप जो है बैंक वाला जो है यहाँ पर भरकर आपको दे देगा। तो आप तो दोस्तों आपको जो अगर किसी फर्म के जरिए जो आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हो, तो आप यहाँ पर अपने प्रोपराइटर की सील भी लगा सकते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर एक चेक की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों आपको चेक फिल करना है, तो कैसे करना है NEFT या फिर RTGS का, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना दोस्तों, और यहाँ पर आपको जो है अकाउंट पे कर देना। ठीक है, अकाउंट पे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पे में क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है योर सेल्फ NEFT। ठीक है, या फिर RTGS करना चाहते हो तो आप यहाँ पर RTGS करके भी लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हो सामने वाले को, वो अमाउंट आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पर अपना रियल अमाउंट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है डेट लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वर्ड में एंटर कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जिस डेट को आप NEFT या फिर RTGS कर रहे हो और आपने जो डेट फॉर्म में ऐड की है, वही डेट आपको यहाँ पर भी ऐड करना है। बस इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना साइन कर देना है। और फ्रेंड्स, हमारा जो है RTGS का फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको बस अपने चेक में यहाँ पर योर सेल्फ NEFT करना चाहते हो, NEFT लिख सकते हो या फिर RTGS लिख देना है, और यहाँ पर आपको अमाउंट डाल के यहाँ पर साइन करके डेट डाल देना है। बस दोस्तों आपको इतना ही अपने फॉर्म में फिल करना है। अब जो है हमारा फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं करना दोस्तों। इस फॉर्म को जो आप बैंक में ले जाकर जो ब्रांच में जमा करवा सकते हो, और आप सामने वाले पर्सन को जो NEFT या फिर RTGS के जरिए जो पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल MR टेक्नोदेव को सब्सक्राइब करें, और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें।